हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस, कैसे हो सारे। तो आज की वीडियो में हम जाने वाले हैं द्वारका सेक्टर 9। यहाँ पर जाके मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, बट हमने सोचा कि क्यों ना हम रिविजिट करें द्वारका सेक्टर 9। उसको बहुत ज़्यादा लोग ना हॉन्टेड कंसिडर करते हैं, तो आज चल के दोबारा देखते हैं। मेरे पास EMF मीटर भी है और मेरे साथ आज वीडियो में ईशा भी है। कैसा लग रहा है तुम्हारा वीडियो में आके? बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है, बहुत नींद आ रही है क्योंकि 12 बज गए हम, अभी तक नहीं निकले हैं। तो हाँ, बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है और यहाँ पे दिल्ली में पहली बार मैं जा रही हूँ किसी ऐसे हॉन्टेड प्लेस पे। आज तक आई थिंक तूने मेरे साथ घर पे वीडियो बनाई और एक दो बार तू मेरे साथ गई है। दिल्ली में नहीं गई, दिल्ली में नहीं गई एक बार भी। चलते हैं, देखते हैं। कैमरे के पीछे अमित है और कैमरे के लेफ्ट पे है मुस्कान। हेलो, चलते हैं गाड़ी में बैठ के, मैं आपसे मिलता हूँ। चलो गाइस, तो अभी हम पहुंचने वाले द्वारका सेक्टर 9। वहां पर मैं पहले भी जा रखा हूं, आपने उस वाली वीडियो में देखा होगा मेरे। तो वहां पर ये कहानी है कि रात को ना कोई ना लोगों को कोई लेडी दिखती है वाइट साड़ी में, वहां पर लोगों का पीछा करती है। कई बार वहां पर एक ट्री है, उस ट्री के ब्रांचेस पर बैठी हुई दिखती है वो। और लास्ट टाइम जब मैं और अमित गए थे उधर, तो हमने वहाँ पर ऐसा एक्सपीरियंस करा था, मतलब हमें ना आवाज़ से आई थी चूड़ियों की और हम डर के भाग गए थे भाई गाड़ी में। आज एक नई चीज़ क्या है कि आज मेरे पास ना EMF मीटर है मेरा साथ में, तो हम जाके वहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करने का ट्राई करेंगे कि एक्चुअल में अगर कोई यहाँ पर स्पिरिट है तो हमें वो EMF पे रीडिंग दे। ये सब काफ़ी लोग तो कहते हैं कुछ भी नहीं है, उन्हें कभी फील नहीं हुआ जो द्वारका में ही रहते हैं, बट काफ़ी लोग कहते हैं कि कभी कभी जब वो लोग अकेले ट्रैवल कर रहे थे ऊबर से या फिर अपनी फैमिली के साथ, तो उन्हें थोड़ा सा ऐसे नेगेटिविटी फील हुई है या फिर सडनली बहुत ठंड लगने लग जाती थी। तो हम भी काफी बार इस रास्ते से गए हैं दिन में, बट कभी ऐसे हुआ नहीं, तो अभी देखते हैं क्या होता है। ओके गाइस, तो अभी ना हम पहुंचने वाले हैं उसी वाले हॉन्टेड ट्री पे। हम भूल गए थे, हमने बहुत ढूंढा उसके बाद वही हमें मिला है ये, तो चल के देखते हैं अभी। अभी साथ में ईशा है, ईशा की फ्रेंड है मुस्कान। तो आई डोंट थिंक अभी रात को रुकना यहाँ पर सेफ होगा क्योंकि एरिया ना काफी सुनसान सा है, तो आई डोंट थिंक अभी सेफ होगा, ईशा और मुस्कान भी है गाड़ी में। ओके गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं उसी सपोजिटली हॉन्टेड ट्री पे। हमें ये ट्री दिखा दे, यही वो पेड़ है गाइस। बट यहाँ पर ना भगवान की बहुत सारी यहाँ पर मूर्तियां हैं। क्या ओफ, ये दिखा, ये दिखा वीडियो में। चलो कंटिन्यू, गाड़ी आ रही है उधर से। ऑब्वियस कर देते हैं हम वीडियो बना रहे हैं। यही वो ट्री है जिसको लोग हॉन्टेड हॉन्टेड बोलते हैं। हम लोग जब इस पार्क में गए थे ना, आगे एक पार्क है वहाँ पर राइट पे, तो उसके अंदर हमें चूड़ियों की आवाज़ आई थी। हम वहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले मैं अभी अपना EMF मीटर ऑन करने वाला हूँ और पूछने वाला कुछ सवाल। आ जाओ यहाँ पर, रीडिंग में कितनी नॉर्मल है ईशा, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। क्या पता अगर यहाँ पे कोई भी स्पिरिट है तो आप मुझे सिग्नल दो और बताओ कि आप यहाँ पर हो। इस EMF की रीडिंग को, ये जो मेरे हाथ में डिवाइस है, इसमें लाइट जलाओ अगर आपके पास इतनी एनर्जी है अभी। इसमें लाइट जलाओ, बताओ कि आप यहाँ पर हो। यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा भाई। आगे चलते हैं पार्क की तरफ और देखते हैं। आ जाओ, मंदिर अभी खुला हुआ यार, दिखाइयो। अभी बंद था जब हम आए थे तो। नहीं नहीं, खुला था। अच्छा, भाई यहाँ पर अकेले में गाड़ी पार्क है भाई, सुनसान है। मतलब सही लग रहा है तेरे को जाना? टूर साइड कर। क्या टूर साइड पे लाइट ऑफ करके जाना चाहिए? जाना तो है, लाइट ऑफ करके भी जाना चाहिए, दूर से दिख जाएंगे कोई होगा भी अंदर तो। स्टार्टिंग लाइट ऑफ करके ठीक है, तो पूरा हुआ है भाई। तो गाइस अभी हम ना इसी पार्क के एंट्रेंस पे आ चुके हैं, यहाँ पर अभी हम स्पिरिट से सवाल करेंगे कुछ, देखते हैं क्या जवाब मिलता है हमें।
यहाँ पर EMF की रीडिंग थोड़ी सी बढ़ रही है, आप दिख रहा है कैमरे में, यहाँ पर देख सकते हो गाइस थोड़ी सी रीडिंग आ रही है, इधर अपने आप आ रही है। कुछ क्वेश्चन करके देखो, मे बी तब और ज्यादा रीडिंग आए। अगर देख भाई क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है जैसे हम पास आ रहे हैं ना इस खाली जगह के तो रीडिंग बढ़ रही है, बट ट्राई करो जाके। ये देखो भाई ये क्या, क्यों हो रहा है इधर लाइट से, इस एरिया में आवाज आई थी वहां पे, हमें इस एरिया में आवाज आई थी भाई, यहां पे कोई स्पिरिट ट्रैप्ड है आई फील। एक बार लाइट से देख रहे हो उस साइड है क्या खाली एरिया है, हां बट देखते हैं, देख जरा ऐसे एरिया है क्या, पार्क लग नहीं रहा क्योंकि अजीब सा उसका कंस्ट्रक्शन है, अंदर से बहुत अजीब सा ही है थोड़ा। हाँ। वीडियो में आया अंदर से क्या नहीं दिखेगा, अंदर जाली आ रही है बीच में, नहीं दिखेगा भाई अंदर, ये पार्क तो नहीं है ब्रो, मतलब इन्होंने फेंसिंग कर दी और बड़ा सा गड्ढा है आगे। अगर यहाँ पे कोई भी स्पिरिट है तो EMF मीटर में रीडिंग दो और बताओ कि आप यहाँ पर हो। तब तो इस एरिया के पास आते ही लाइट बढ़ गई थी भाई। हाँ। अभी नहीं हो रहा, अब हो रहा है लाइट बढ़ी, यहाँ पर स्पिरिट है। अब मैं स्पिरिट से दोबारा सवाल करता हूँ गाइस, आप लाइट, जैसे मैंने बोला मैं स्पिरिट पर सवाल करता हूँ लाइट बढ़ने लग गई। अगर यहाँ पर There is a spirit. अगर आप यहाँ पर अकेले हो तो इस EMF मीटर पे लाइट जलाओ और बताओ कि आप यहाँ पर हो अकेले, मतलब रीडिंग को आपको आगे बढ़ाना जैसे आपने बढ़ाया था। पूछो ईशा में और क्या आप चाहते हो, मैं तो जाएं? क्या आप पिछली बार हमें मिले थे, फिर पूछ लो क्या जाएं? ओ भाई तूने बोला कि तो गाइज अभी ना मैं कैमरे के पीछे बोल रहा था क्या आप हमें पिछली बार मिले थे, और रीडिंग एकदम से फुल हो गई है इसकी, आप देख सकते हो अब ज़्यादा जाने लग गई है, ये देखो आप अभी ज़्यादा हो रहा है क्या आप, ओ भाई देखा तो डॉग भी अलर्ट हो गया, पता नहीं क्यों डॉग सडनली अलर्ट हो गए, सारे चले गए डॉग्स यहाँ से, मुझे आके डॉग एनिमल्स की एक्टिविटी बहुत हाइपर टाइप है। हाँ थोड़ी मतलब जैसे थोड़े टेंस से हैं वो लोग ना। बहुत ज्यादा ही सुनसान है। हाँ। ये मतलब नॉर्मल हम जिस भी हम भी बाहर की रोड में जाएंगे तो वो ऐसी नहीं लग रही थी, पर जैसे हम सिर्फ इस वाली रोड में आ रहे हैं मेट्रो वाली रोड में तो वहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा हमें दूर दूर तक। स्पिरिट इधर ही आसपास है अगर है तो भाई, क्या हमें आपसे डरना चाहिए? क्या आप हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? हाँ। क्या आप हमें घर तक फॉलो करोगे जब हम लोग यहाँ से जाएंगे? ओ, लाइट बड़ी थी ना? क्या आपको शांति मिली है मरने के बाद? मच्छर भाई इधर बाहर याद है, मच्छर बहुत ज्यादा है यहाँ पे, दिक्कत ये है गाइस कि ना इधर मच्छर बहुत ज्यादा है और हम परेशान हो चुके हैं, इतना ज्यादा मच्छर काट लिया हमें, कल को कोई बीमारी ना हो जाए भाई यहाँ से निकल के। मैं पता है लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ पे वीडियो शूट करी थी मैं नेक्स्ट डे घर पे गया हूँ, क्या हुआ, क्या है, आवाज आ रही है, क्या आवाज आ रही है देखो भाई, आप आ नहीं दी आवाज, क्या आवाज, कैसी आवाज भैया, आप लोग आवाज नहीं आ रही, क्या आप लोग डरा रहे हो, नहीं आ रही आवाज हमें, मुझे अभी तक आ रही है, धीरे बोलो धीरे बोलो, मंदिर में और भी लोग होंगे, तब आई थी ना सब करके, नहीं आई थी यार, कुत्ते की आई थी कभी, मुझे नहीं आ रही आवाज भाई, आप लोग पागल हो गए, डरा रहे हो आप लोग, मुझे बस ट्रक की आवाज आ रही है, ट्रक की नहीं ऐसा करके, नहीं आ रही, सुनो सुनो, ये तो ट्रक की है बट इससे पहले है, नहीं आई थी मुझे आवाज, नहीं आई थी, ट्रक की आ रही है भाई, आप लोग डरा रहे हो मेरे को, ऐसे मत करो, नहीं डरा रहे, नहीं आई थी आवाज, आपको आई थी, मेरे को भी नहीं आई, सिर्फ ईशा को आई है गाइस,
अभी आप ना ईशा कही थी इसको आवाज़ आई है और हम में से किसी को भी वो सुनाई नहीं दिया। ईशा तेरे को सवाल करना चाहिए, तेरे को आवाज़ आई है तो ये पकड़। उससे पूछो कि वो कुछ कहना चाहते हैं या फिर कोई हमें इंडिकेशन दे रहे हैं। क्या आप हमें कोई इंडिकेशन दे रहे हो? क्या आप मुझे कोई इंडिकेशन देना चाह रहे हो? हिंदी में बोलना। क्या आप मुझे डराना चाह रहे? क्या आप चाहते हो मैं चली जाऊं यहां से? ओ भाई, क्या पूछते ही चलाओ। क्या आप चाहते हो कि बाकी के लोग भी यहां से चले जाएं? क्या आप हमें डराना चाह रहे हो? हमें तो उसको लेना, उसको लेना। अरे वो पूछ रहे। क्या आप हमें डराना चाह रहे हैं? क्या आप ईशा को फॉलो करोगे घर पे अगर वो घर जाएगी तो? प्रोबेबली। हम यहाँ पर आपको कोई भी हार्म पहुंचाने नहीं आए। हमें यहाँ पे आपको कोई भी हार्म पहुंचाने नहीं आए, तो आप प्लीज हमें फॉलो मत करना। अगर आप इस चीज से अग्री करते हो तो उसको राइट जलाओ। ठीक है, तो आप हमें प्लीज हमारा पीछा मत करना घर पे जाके, ना ईशा का पीछा करना। क्या आप दुखी हो? क्या आप गुस्से में हो? हाँ। नहीं। हाँ। पूछने के बाद जले लाइट, बट कभी कभी पूरी रेड लाइट जल रही होती है। ये देखिए, क्या आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो? क्या आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो? क्या हमारा यहाँ होना आपको परेशान कर रहा है? क्या आप ट्रिगर हो रहे हो हमसे? क्या बोलते हैं हमसे? दिक्कत हो रही है आपको? हमें हमसे दिक्कत हो रही है? ओ भाई, लाइट आई इसमें। क्या अभी जो मुझे आवाज आई थी वो आपने किया था? हाँ। अरे चलते हैं यार। क्या चलते हैं ना? क्या आप मुझसे बात करना पसंद करोगे? मेरे टाइम में ईशा इतनी लाइट्स नहीं जल रही हैं गाइज। अभी ईशा रिकॉर्ड कर रही थी, मतलब ईशा अभी कर रही थी स्पिरिट से बात, तब लाइट बहुत ज़्यादा जल रही थी। मेरे टाइम में लाइट्स इतनी ज़्यादा नहीं जल रही हैं। क्या आप एक फीमेल स्पिरिट हो? क्या आप एक फीमेल स्पिरिट हो? क्या आपको यहाँ पर किसी ने बांध कर रखा हुआ है? तू भी आपस, तू इधर है। अब तू ही शायद पूछ के, क्या आप चाहते हो यहाँ से जाएं? क्या आप चाहते हो हम यहाँ से जाएं? कुछ भी नहीं आया इवन। ओ हाँ, ईशा को आंसर आ रहा है गाइस, सिर्फ रिकॉर्ड हुआ है कैमरे में। तो गाइस हम अभी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को यहीं पे रोकने वाले हैं, यहाँ से चलते हैं। मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं, अभी देख सकते हो आप, मेरे को डर लग रहा है। हम बाद में कभी आएंगे यहाँ पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा रॉर, जो मेरा चैनल है उस पर हम एक पॉडकास्ट निकाल रहे हैं जमाली कमाली का। हमने एक पॉडकास्ट शूट करा था जब हमने फर्स्ट वीडियो करी थी जमाली कमाली की, उसके बाद हम घर पे आए थे, हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा था अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, और भी काफ़ी ज़्यादा उसमें हमने बात करी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में। तो आई एम श्योर आपको मज़ा आएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वाली वीडियो का, आप जाके क्लिक कर लो, वाली वीडियो जाके देखो और उस वीडियो के नीचे कॉमेंट करना अगर आपको वीडियो पसंद आई कि नहीं। तो हम चलते हैं घर, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा रात हो गई है। रात को मैंने आपको टाइम ही नहीं दिखाया अभी गाइज, ये देख सकते हो गूगल टाइम, ये वेबसाइट है, कोई स्क्रीनशॉट नहीं है। अभी देखो 1:55 AM, हम रात के 2 बजे आए थे यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करने आप लोगों के लिए। चलो फिर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ गाइज, थैंक यू सो मच। वीडियो को जाके लाइक करो, नीचे कॉमेंट करो कि आपको पसंद आई कि नहीं। बाकी मिलते हैं एक और किसी हॉरर इन्वेस्टिगेशन पे जमाली कमाली के पार्ट 2 में होपफुली। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल, बाय बाय।